हाय पीपल, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। नमस्कार, होप आप अपने घर में अच्छे, सुरक्षित और खुश होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, जिस पर मैं बताऊंगी ब्यूटी ऑफ द रेन एंड डूज एंड डोंट्स। पानी जब होता है, जब बारिश बरसती है, रेनी सीजन आता है, तो हमारे अंदर कितने एक्साइटमेंट आ जाते हैं, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो अडल्ट हो। बच्चे तो भाई बारिश में भींग भी सकते हैं आसानी से, पर अडल्ट थोड़ा अवॉइड करते हैं। बट स्टिल जब बारिश होती है, वी पीपल आर लाइक हम इतना इन्जॉय करते हैं, वी स्टैंड ऑन आवर विंडो, वी टेक आवर स्ट्रेच। बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पाम्स को स्ट्रेच आउट करते हैं एंड वी स्टार्ट फीलिंग दी रेन। बट कब तक? अब आप बोलेंगे कब तक क्या होता है, कब तक का ये मतलब है यहाँ पे कि कितने टाइम तक हम इसको एंजॉय कर पाते हैं। ये जो जॉय हमारी, जो इन्जॉयमेंट है, वो एक टाइम के बाद ये हमारे लिए थोड़ी टॉर्चरस हो जाती है। क्यों? तबीयत खराब हो जाता है, वी स्टार्ट फीलिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम होने लगती है हमें। कफ कोल्ड की इश्यू हो जाती है, कफ का साथ साथ हमारी नोज चोक्ड हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है, मलेरिया के चांसेस बन जाते हैं, इनहेल्दी हैबिट हो जाती है हमारी, कहते हैं ना दिनचर्या, हमारी रूटीन काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस सब चीज़ को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? और जो हमारा सीज़न है रेनी सीज़न, जो चार सीज़न में एक आता है हमारा रेनी सीज़न, उसको कितने ऑप्टिमम तरीके से हम एंजॉय कर सकते हैं? मैं आपको ये सजेस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आई हैव ऑल्सो बीन थ्रू सम बैड हेल्थ इशू बिकॉज ऑफ दिस, और मैंने ये चीज़ करना शुरू करा है और जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, एंड माई पेरेंट्स वर डूइंग इट सिंस लॉन्ग, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया, सो आई थॉट ये मैं आप लोग से भी सजेस्ट करूँ। तो सम हेयर इज सम डूज एंड डोंट्स, जिससे आप ईजिली इस सीज़न को, इस पते के इस कहते हैं इस माहौल को, रेनी सीजन को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। पहला है गिविंग लव टू योर फीट्स। अब आप कहेंगे फीट्स को क्या लव देना? जी हाँ, जब हम भींग के आते हैं या जब रेनी सीजन होता है, हमें हमेशा अपने फीट को थोड़ा मसाज देना चाहिए। कैसे मसाज दे सकते हैं? पहले तो आप टब में गर्म पानी लेके उसको थोड़ी देर पैर अपना उसमें डाल सकते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होता है। और दूसरा, सोने से पहले हल्का सा मस्टर्ड, मैंने पहले की भी वीडियोज़ में बताया है कि मस्टर्ड ऑयल को अपने पाम में, अपने पैरों में, तलवे में लगा के उसको रब करने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा है कि जब भी एसी, जैसे हमको पता है कि हमें एसी के बिना नींद नहीं आती, बट स्टिल जब बारिश का सीज़न है तो डायरेक्ट एसी के कांटेक्ट में हमें नहीं रहना चाहिए। इस केस में हम क्या कर सकते हैं? एसी चलाएंगे, ऑब्वियसली एसी के बिना नींद नहीं आएगी तो एसी तो चलेगा, बट उस केस में हम करेंगे, हमारा जो सर है वो एसी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए, नहीं तो उससे हमारी बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी चीज़ आप जो कर सकते हैं वो है आप एक्सरसाइज करिए, और ऐसी एक्सरसाइज नहीं जिसमें आराम से कर रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी से हीट जनरेट हो, क्योंकि जब बारिश के समय हीट जनरेट होती है उसी के थ्रू आपके मेटाबॉलिज्म बढ़ेंगे, और साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो भी इम्प्योरिटी जो है वो स्वेट के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। फिर होता है, कहते हैं मैं तो आई एम वेरी फूडी, तो मैं हमेशा खाने के पॉइंट तो ज़रूर खाऊंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, पर वो भी पका हुआ भोजन खाइए। पका हुआ भोजन मतलब अवॉइड टेकिंग सैलड्स डायरेक्टली, क्योंकि अभी जो होते हैं ना बारिश के समय में कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा होते हैं और भी इन्फेक्शन होने के खतरे ज़्यादा होते हैं, तो उनको पका के खाइए। जैसे इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ पालक खाना है, कैप्सिकम खाना है, अनियन खाना है, तो अभी कहते हैं ना बारिश के सीज़न में लोग कहते हैं कि हमारा पकौड़े खाने का मन कर रहा है, भजिए खाने का मन कर रहा है, तो दिस इज़ ओनली भजिया एंड पकौड़ा। ये ट्रेंड जो आया है वो नेचुरली आया है, नेचर को देखते हुए इसको अडाप्ट करा है हमारे पुराने लोगों ने कि इस समय हमें पकौड़े खाने चाहिए, भजिए खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हल्के फ्राई होते हैं, जिससे हमारी इम्प्योरिटी जो उस पर्टिकुलर वेजिटेबल में होगी वो ख़त्म हो जाएगी। हाँ, और एक और चीज़, ये नहीं पकौड़े खा के सो गए, आफ्टर ये हैविंग दैट ऑयली, मतलब थोड़ा जो हम पका हुआ खा रहे हैं खाना, इंस्टेंट पका हुआ खा रहे हैं, उसके बाद हमें कम से कम एक ग्लास गर्म पानी पीना चाहिए, और उसके पहले गरारा करना चाहिए कि अगर कहीं ऑयल या कुछ स्टक हो गया है तो वो मेल्ट होकर निकल जाए। तो खाने के बाद हमें क्या करना है, गर्म पानी से गरारा करना है, एंड द सेकेंड वन इज गर्म पानी पीना है। और जो मैं फिफ्थ पॉइंट करूं, कोई भी रखा हुआ खाना मत खाइए। जैसे अपन क्या होता है ना, रात में बच्चा सुबह नाश्ते में कर लिया, या सुबह बच्चा तो उसको दोपहर में खा लिया, तो फ्रिज से जो डायरेक्ट कनेक्ट हुआ खाना आ रहा है उसको आप खाना अवॉइड करिए, क्योंकि इससे हमारी जो इन्फेक्शन की प्रॉबिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। फिर इन्होंने कहा, फिर जो इन्होंने मतलब हमारे नेचर, मदर नेचर ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है कि डायरेक्ट कभी भी कोई चीज़ कंज्यूम मत करिए। जैसे फल भी आ रहे हैं, ये नहीं कि छिला के धोया खा लिया, उसको थोड़ी देर गर्म पानी में छोड़ दीजिए, सो दैट उसकी जो इम्प्योरिटी है वो ख़त्म हो जाए। सो एंजॉय द सीज़न, क्योंकि सीज़न का क्या है, वो आते जाते रहते हैं, बट जो हेल्थ है वो हमेशा 12 महीने
पूरी टाइम हमारी जब तक जीवन है तब तक साथ रहने वाली है, तो इसे अच्छे से बचा के रखें, प्रोटेक्ट करके रखें। होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।